गांव पे कोई नसीहत भी देता है, कहता है कि भाई इस इंसान से दूर रहिए, 400 बीस इंसान। बिल्कुल, अब उनको बताना पड़ेगा कि अब 318 कहना है आपको, अब आपको 420 नहीं कहना है। बिल्कुल, दफा 302 के तहत तादीरात हिंद मुस्लिम को बिल्कुल फांसी की सजा दी जाती है। हाँ हाँ, तो उसको कर दिया गया 103। जालसाज को अब 420 नहीं 318 कहा जाएगा। मर्डर के लिए 302 नहीं धारा 103 लगेगी। जी हाँ, बदल गया है क्रिमिनल लॉ का चेहरा। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का नाम बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और सबूतों से जुड़ा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब भारतीय साक्ष्य संहिता हो गई है। इनके लागू होते ही कानून की दुनिया कैसे बदल जाएगी, आइए जानते हैं अपने लीगल एक्सपर्ट मनदीप बैसला जी से। मनदीप सर, आपका आवास लीगल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला प्रश्न है, ये जो तीन नए विधेयक हैं उससे आम आदमी के नज़र इस बताइए कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना बदल जाएगा? सर, आम आदमी का तो ऐसा है कि हमारे देश में ये जो कानून है स्पेशली आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 का कानून है, करीब 163 साल हो गए इस कानून को। तो कुछ ऐसे सेक्शन जो मैंने जिक्र भी किया है, करता भी हूँ, कि जो हमारे गांव देहात शहर में हर जगह लोगों को मालूम है, कि जैसे अभी आपने कहा कि 420 को अब आप 420 नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, 318 कहना हो जी, राइट, और 302 हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्शन जो लोगों की जुबान पर है, राइट, कि गांव पे कोई नसीहत भी देता है, कहता है कि भाई इस इंसान से दूर रहिए, 420 इंसान। बिल्कुल, अब उनको बताना पड़ेगा कि अब 318 कहना है आपको, अब आपको 420 नहीं कहना है। बिल्कुल, तो जो हमारे जो कॉमन सेक्शन से जो बहुत ज्यादा, जैसे 302 हो गया, भाई कहते थे कि अगर इस किसी के ऊपर 302 की कार्रवाई चल रही है, कहते भाई उनसे दूर रहिए, उनके ऊपर 302 के केसेस चल रहे जी, यानी कि उनके ऊपर मर्डर का ट्रायल चल रहा है, राइट। तो आम लोगों के लिए तो ये कि जो मेन सेक्शन है उनको अब दोबारा से उनको देखना होगा, कि बस उनको जानकारी देनी है, हमें तो की जानकारी बतानी है कि भाई इन सेक्शंस को अब इन सेक्शंस के द्वारा आ जाएगा, पहले ही उनके जो संख्या थी उनकी संख्या चेंज होगी। अच्छा, कुछ सेक्शंस जो हैं, कुछ धाराएं जो हैं आम आदमी की जुबान पे अभी आपने बताया रहती हैं, तो ऐसे कुछ सेक्शंस जो पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए हैं, तो आप बता सकते हैं? राइट सर, मैं स्टार्ट ही सर इससे कर देता हूँ, आपका 302 जो पनिशमेंट फॉर मर्डर है आपका, अब वो हो गया 103। अच्छा, दफा 302 की जगह अब 103 लगेगी। दफा 302 के तहत तादीरात हिंद मुस्लिम को बिल्कुल फांसी की सजा दी जाती है। हाँ हाँ, तो उसको कर दिया गया 103। तो फिल्म जो डायलॉग है हमारे पुराने हिंदी फिल्मों के, अब वो बदल जाएंगे। राइट राइट जी। और हमारा 420 318 बन गया हमारा। इसके अलावा सर हम देखेंगे 376 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप है जी, राइट, अब वो बन गया 64। ठीक है, ये तीन ऐसे कॉमन सेक्शंस हैं जो हमारे देश में काफी हैं। जैसे एक और है 498, जिससे हमारे समाज में जो कि बहुत सारी एफआईआर, नंबर ऑफ एफआईआर फाइल्स होती हैं इसमें, हर दिन फाइल होती है एफआईआर, जो कि सबसे आप कह सकते हैं कि पुरुष जो समाज हमारे देश का, खासकर से जो आप कह सकते हैं कि पति वर्ग है, हस्बैंड वाली वर्ग है, 498 से डरते हैं सर। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 498 विधाय नहीं, अब वो बन जाएगा 85। अच्छा, अब 498 ए से डरने की बजाय 85 से डरना है। 85 से डरिए। अच्छा अच्छा सर, अब नए वाले जो कानून आए हैं उसमें कितना, मतलब कितनी धाराएं हो जाएंगी इसमें? सर, पहले हमारे कानून में थी टोटल 511, राइट, अब टोटल 358 हो गई है सर जी। अब 358 होने का, कम होने का कारण ये भी कैसे नहीं कि बहुत सारे सेक्शन हटा दिए, कि पहले कहते सर डेफिनेशन स्टार्ट होती थी आईपीसी में 8 सेक्शन से और 52 तक जाती थी। ठीक है सर, अब सारे जो डेफिनेशन है उसको सेक्शन 2 मिला दिया है, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, और अभी कुछ नई डेफिनेशन पेड, जैसे जेंडर की डेफिनेशन में फीमेल के साथ एक ट्रांसजेंडर जी गया है, बिल्कुल, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया, जो कि काफी अच्छी पहल। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और सेक्शंस भी ऐड ऑन किए गए हैं, आप मुझे बता रहे थे पहले, जैसे मॉब लिंचिंग का हुआ, स्नैचिंग हुआ, तो ये किस किस धाराओं के अंतर्गत ऐड किए गए हैं? सर, मॉब लिंचिंग हमारा आ गया है 1032 में, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि मॉब लिंचिंग में क्या होता था, कि काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने किसी एक इंसान के ऊपर अटैक किया और उसका
मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उनके ऊपर फिर हमारा जो चलता था वो चलता था 302 के अंदर ट्रायल चलता था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 302 has become 103, 103 बन गया है, तो मॉब लिंचिंग हमारा 103-2 में आ गया है, जो ये कहता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल पांच या पांच से ज्यादा किसी जाति, वर्ग, जन्मस्थान और काफी सारी चीजें और है, उसके बिहाफ पे किसी को मारते हैं, पीटते हैं, मॉब लिंचिंग उसकी करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 103-2 में उनका ट्रायल चलेगा सर। अच्छा, एक और नई धारा एड ऑन हुई है जैसे स्नैचिंग। हाँ सर, तो स्नैचिंग के बारे में बताइए कि किस धारा के अंतर्गत स्नैचिंग एड ऑन हुई है, उसकी पनिशमेंट क्या है? स्नैचिंग सर ऐसा है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था लॉ में, तो बहुत सारी पुलिस स्टेशन की विजिट होती थी, तो पुलिस स्टेशन में चार्ट होता है सर, जो SHO रूम में साइड में लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि FIR कितनी है हमारे पास, सर इस महीने में कितनी रजिस्टर हुई है, तो उसमें सेक्शंस मेंशन होते हैं भाई इसमें इतनी है, इसकी मर्डर की इतनी है, किडनैपिंग की सब चीज, तो उसमें सबसे ज्यादा FIR होती है सर स्नैचिंग की। और स्नैचिंग वर्ड हमारे एक्ट इसमें डिफाइन ही नहीं था, स्नैचिंग को या तो हम थेफ्ट में या फिर लूट में डाल देते थे, तो स्नैचिंग हमारा आ गया 304 में, 304 में स्नैचिंग हमारा आ चुका है। तो एक नई धारा हो गई 304 में, स्नैचिंग एड ऑन हो गई है। सर, एक और धारा के बारे में समझना चाहता हूँ, कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में अभी तक मतलब कोर्ट से ऐसा कह दिया जाता था कि इनसे कम्युनिटी सर्विस कराइए, पर ये बकायदा अब जुड़ गई है धारा, ठीक है, तो इस धारा के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, कम्युनिटी सर्विस क्या है कि प्रीसिडेंस में काफी यूज किया गया है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी काफी बार किया है, बाकी हाई कोर्ट्स ने भी किया है। कम्युनिटी सर्विस एक पार्ट ऑफ पनिशमेंट की तरह ले रहे हैं जो माइनर ऑफेंसेस में यूज करेंगे। माइनर ऑफेंसेस जैसे छोटी मोटी चोरी चकारी हो गई या फिर कोई रूल कोई छोटा मोटा तोड़ दिया उसके लिए, तो सेक्शन 4F में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है पनिशमेंट का एक पार्ट। और ये थोड़ा रिफॉर्मेटिव की तरफ, क्योंकि हमारी क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है सर, उसमें बताते हैं कि पनिशमेंट के देने के पीछे क्या क्या थ्योरीज होती है, तो रिफॉर्मेटिव होते सुधार वाली थ्योरी, सुधारना कि आप कम्युनिटी सर्विस करा के उसको आप एहसास से लाइए जिससे समाज में कुछ योगदान हो। जैसे उससे आपने बोला कि आप 400 पेड़ लगा दीजिए, या फिर आप किसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इस उसमें सेवा कर दीजिए, कोई भी कम्युनिटी सर्विस आप उनसे करा ली, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ जा रही है, जो हमारा देश में जरूरी भी है, क्योंकि क्राइम कई बार अनइंटेंशनली हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे हालात ऐसे होते हैं कि कई बार चीजें हो जाती हैं, कई बार हमसे क्लाइंट से मिलते हैं कि सर उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन हो गया सर जी, मैंने नहीं चाहता था ऐसा हो जाए लेकिन हो गया, अब क्या कर सकते हैं जी, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी उस चीज पे काफी हेल्पफुल रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे मनदीप जी, इन आपराधिक कानूनों के बदलाव में जो बदलाव हुए हैं, इसमें कोर्ट, पुलिस और वकीलों पर कितना प्रभाव पड़ेगा या क्या उनके लिए कितना बदलाव आएगा? सर देखिए, सबका काम डबल हो जाएगा। हाँ, पुलिस का भी काम डबल हो जाएगा, जिसका भी काम डबल हो जाए हमारा काम। अब सपोज कीजिए मेरे पास 100 केसों के आसपास है पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल से, अब वो सारे गवर्न होंगे पुरानी IP से, पुराने एविडेंस से, पुराने CRPC से, राइट। अब जो जब ये लागू होगा, अभी लागू की डेट कोई आई नहीं है, बिल्कुल, जब लागू होंगे तो नए वाले इनसे होंगे, तो ऐसा नहीं कि हम नए वाले याद कर ले पुराने वाले भूल जाए, हमें पुराने वाले भी याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे सर, और नए वाले भी याद करने पड़ेंगे, राइट। और हमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा एक दूसरे के बीच में, कि दोनों वेरिएंट्स को हमें साथ में एक साथ माइंड में रखना पड़ेगा, तो जिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा और पुलिस के लिए तो होगा ही होगा सर। तो अब आपका काम बहुत बढ़ने वाला है मनदीप जी, धन्यवाद मनदीप जी ऐसी काम की जानकारी के लिए। और अगर आप भी किसी कानून के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर, लेटेस्ट खबरों के लिए आएं hindi.cnbctv18.com पर।